हेलो फ्रेंड्स, मेजरमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्नियर कैलिपर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस या किसी रिंग का इंटरनल डायामीटर मेजर करने के लिए आपको वर्नियर कैलिपर्स की जरूरत पड़ती है। मेरे पास एक डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स है जिसमें कोई भी मेजरमेंट डिजिटली आपके सामने आ जाती है, मगर ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता क्योंकि इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। एक स्टूडेंट होने के नाते हमें एक नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पता होना चाहिए। वर्नियर कैलिपर्स को अच्छे से समझने के लिए हम ग्राफिक्स का यूज करेंगे। इस पिक्चर में आप वर्नियर कैलिपर्स देख सकते हैं। इस कैलिपर्स में एक मेन बार है जिस पर मेन स्केल बना हुआ है। मेन स्केल कोई भी ऑर्डिनरी स्केल है। इसके साथ एक मूवेबल स्केल है जिसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं। वर्नियर कैलिपर्स की मेजरमेंट को अच्छे से समझने के लिए हमें इसके स्केल को थोड़ा जूम करके देखना होगा। अब मैं आपको वर्नियर कैलिपर्स की सबसे खास चीज बताने वाला हूं। यदि आप इन दोनों स्केल्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेन स्केल एक ऑर्डिनरी स्केल है जिसमें 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच की दूरी को 10 भागों में बांटा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि हर निशान 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर को मेजर करता है। अब आप वर्नियर स्केल को ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से मिल रहा है, मगर वर्नियर स्केल की लास्ट लाइन मेन स्केल की 9 मिलीमीटर की लाइन से मिल रही है। इसका मतलब यह हुआ कि वर्नियर स्केल का एक निशान 0.9 मिलीमीटर को मेजर करता है। इस प्रकार से मेन स्केल की पहली लाइन और वर्नियर स्केल की पहली लाइन के बीच में 1 mm माइनस 0.9 mm बराबर 0.1 mm का डिफरेंस हुआ। इस सिंपल इंस्ट्रूमेंट की सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि अब अगर मैं वर्नियर स्केल को 0.1 मिलीमीटर आगे सरका दूं तो मेन स्केल का पहला निशान और वर्नियर स्केल का पहला निशान आपस में मिल जाएंगे। इसी प्रकार से यदि मैं वर्नियर स्केल को 0.1 मिलीमीटर और सरका दूं तो हम देखेंगे कि मेन स्केल का दूसरा निशान और वर्नियर स्केल का दूसरा निशान आपस में मिल गए हैं। और ऐसे ही 0.9 mm आगे बढ़ने पर नौवां निशान और 1 मिलीमीटर आगे बढ़ने पर वर्नियर स्केल का पहला और आखिरी निशान मेन स्केल के निशानों से मिल जाता है। इस तरह से जब भी वर्नियर स्केल को 0.1 मिलीमीटर आगे सरकाया जाता है तो उसका एक के बाद अगला निशान मेन स्केल के किसी न किसी निशान से मिलता जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है। वर्नियर कैलिपर्स पर अपनी समझ को परखने के लिए आइए एक रैंडम मेजरमेंट करते हैं। ये एक मेन स्केल और वर्नियर स्केल का सिस्टम है। वर्नियर स्केल के 0 को ध्यान से देखिए। आप देखेंगे कि वर्नियर स्केल का 0 3.3 से कुछ आगे है
इसका मतलब ये हुआ कि आपकी रीडिंग 3.3 सेंटीमीटर से ज्यादा है कम नहीं। इसके बाद आपको देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा निशान मेन स्केल के किसी निशान से मैच कर रहा है। ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि वर्नियर स्केल का छठा निशान मेन स्केल के निशान से मैच कर रहा है। तो इस स्केल पर हमारी रीडिंग हुई 3.3 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट इंटू 6 इक्वल टू 3.36 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप किसी भी वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग ले सकते हैं।